कश्मीर में आर्टिकल 370 में हुए बदलाव को लेकर पड़ोसी मुल्क पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। यूएनएससी काउंसिलिंग में पड़ोसी मुल्क के असफल होने के बाद पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री की फजीहत गूगल में भी बढ़ गई है। गूगल सर्च इंजन पर भिखारी सर्च करने पर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान की फ़ोटो आ रही है। गूगल इमेज में दिख रही इस फोटो में पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान हाथ में कटोरा लिए हुए बैठे हैं, जबकि दिख रही फ़ोटो एडिटेड की गई है, जिसमें इमरान खान भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा थामे हैं। फ़ोटो को इस तरह से एडिट किया गया है कि पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान सड़क किनारे बैठे किसी भिखारी की तरह नज़र आ रहे हैं। इमरान खान को भिखारी की तरह देखने के लिए गूगल सर्च में जाकर इंग्लिश या फिर हिंदी में भिखारी टाइप करना होगा। भिखारी टाइप करते ही गूगल में इमरान खान की कई तस्वीर सामने आ जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी भिखारी को लेकर इमरान खान का खूब मजाक बनाया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर पर लोग तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैं इस बारे में मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल सही निकला है। गूगल में भिखारी सर्च करने पर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इस तरह भिखारी ट्रेंड करने पर ये भिखारियों का अपमान होता है, इस हैशटैग को कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर मेंशन करते हुए लिखा कि पड़ोसी मुल्क की मौजूदा हालत कुछ इस तरह से है। उसके साथ ही एक यूजर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें पड़ोसी मुल्क प्रधानमंत्री इमरान खान को गधे पर बैठाया गया दिखाया गया है। गूगल में इमरान खान को भिखारी के रूप में दिखाए जाने से पड़ोसी मुल्क खासा नाराज है। पाक यूजर्स इसके लिए गूगल के CEO सुंदर पिचाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया में पड़ोसी मुल्क यूजर्स तक तर्क दे रहे हैं कि पिचाई के भारतीय होने की वजह से उनके प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, जबकि गूगल की ओर से इस बारे में अभी तक कोई भी सफाई नहीं दी गई है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसे बाहर निकलने के लिए पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान हर एक हथकंडा अपनाने में जुटे हुए हैं। इमरान खान दुनिया के कई देशों में कर्ज लेने के लिए टूर किए जा रहे हैं, जबकि कंगाली के कगार पर खड़े पड़ोसी मुल्क को एक और करारा झटका लगा है। अमेरिका ने उसको दी जाने वाली आर्थिक सहायता में करीब $44 करोड़ यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 31 अरब 30 करोड़ की कटौती कर दी है। अब अमेरिका से उसे कुल $4.1 अरब करीब यानी कि करीब 2.92 खरब रुपए की मदद दे रहा है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।